सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेगांव के लिए लंबे अरसे से एक एम्बुलेंस की मांग की जा रही थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश को 1200 एम्बुलेंस की सौगात दी गई। इसी कड़ी में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी 108 संजीवनी एम्बुलेंस की सौगात मिली। इसका शुभारंभ आज हरी झंडी बताकर किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, दिनेश मिश्रा, हरिओम यादव सहित भाजपा के कार्यकर्ता और समाजजन मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल ने बताया कि 108 संजीवनी एम्बुलेंस मिलने पर सेगांव सहित पूरे क्षेत्र को अच्छी सुविधाएं मिलेगी। वह ये सौगात मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी और क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल का आभार व्यक्त करते हैं। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम था आज? आज प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूरे प्रदेश भर में संजीवनी 108 एम्बुलेंस, लगभग 12 एम्बुलेंस की सौगात, 1200 एम्बुलेंस की सौगात दी है। इसको लेकर आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेगांव को भी एक एम्बुलेंस की सौगात मिली है। पूरे भारतीय जनता पार्टी मंडल सेगांव और सभी क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद महोदय जी का बहुत बहुत आभार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।